D'Souza and you're watching me on CineSpeaks. मेरे नज़रिए से हर किसी का फितरत बहुत अलग होती है. हर किसी के फितरत में झोल ज़रूर होता है. तो तारिणी बिष्ट के फितरत में तो बहुत झोल है. इसीलिए आपको ये जर्नी ज़रूर देखनी चाहिए. सो यू हैव टू गाइज वॉच फितरत. फितरत इज़ ऑल अबाउट नेचर. तो हर किसी के अंदर की फितरत बाहर नज़र आएगी. मेरे कैरेक्टर का नाम तारिणी बिष्ट है. मुझे ये कैरेक्टर बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये एक जर्नी है ऑफ अ गर्ल जिसे सिर्फ पैसा 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 दिखता है. सो ये इसकी जर्नी है जो गोल्ड डिगर है वो गोल्ड डिगर बन जाती है GOAL गोल्ड. एंड फिर उसके लाइफ के मोटिव्स यही है कि वो खुद अपनी हीरो बने. तो बींग योर ओन हीरो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड तारिणी बिष्ट इज़ अ ओन हीरो. बहुत मज़ा आया अनुष्का और आदित्य के साथ शूट करके. आई फील नॉट जस्ट देम दी एंटायर टीम ऑफ एक्टर्स सब बहुत मज़ेदार है. सब ने बहुत मस्ती की साथ में. बहुत हमने काफ़ी शो आउटडोर शूट किया दिल्ली चंडीगढ़ शिमला. तो हमारे लिए तो पिकनिक ही चल रहा था. तो लाइक अ वेरी बिग फैमिली हम सब पिकनिक पे चल रहे थे. How do I feel being a part of the show produced by Ekta Kapoor? I've been a part of a lot of shows produced by Ekta Kapoor. But this is my digital launch and I'm so happy that Ekta ma'am had the faith in me and chose me to play a character that's very different from the personality that I am. So yes, I of course thank Ekta ma'am for launching me into TV and now into digital. But I hope I don't let her down. I don't think we have a good triangle on digital right now. इतने good looking faces का love triangle कभी आपने देखा है digital पे? बिल्कुल नहीं. तो दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड. इट्स न्यू एंड इट्स नॉट जस्ट अ लव ट्रायंगल. देर इज़ सो मच मोर हैपनिंग. बहुत सारे रिलेशनशिप्स के बारे में आपको पता चल जाएगा कि हर रिलेशनशिप में कितने लेयर्स होते हैं. सिर्फ दोस्ती ऊपर ऊपर की नहीं होती है. उसके अंदर कितने लेयर्स हो सकते हैं. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में कितने लेयर्स हो सकते हैं. ऑब्सेशन के कितने लेयर्स हो सकते हैं. तो इट्स अ स्टोरी ऑफ लव पैशन फ्रेंडशिप एंड ऑब्सेशन. डायरेक्टर के साथ मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है. यू नो माई डायरेक्टर इज़ रियली गुड संतोष सिंह. उन्होंने काफ़ी काम किया है इससे पहले और ये उनके लिए भी बहुत अलग सा शो था क्योंकि यू नो इट्स जस्ट सो यंग इट्स सो वाइब्रेंट. तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. उन्होंने बहुत पेशेंस दिखाया हम सब ने और लिटरली हमको बेबी सिट किया. हमको हर सीन में ईजी बनाया ईजी किया एंड ही रियली डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन ऑल ऑफ अस. मैं फैंस को यही कहना चाहूँगी कि फितरत ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत अलग है. ये मेरा पहला वेब शो है तो आप मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए क्योंकि मुझे चाहिए आपका प्यार. तो प्लीज़ 18th अक्टूबर को देखना ना भूलिए फितरत ऑन ऑल्ट बालाजी एंड Z5. आने वाला प्रोजेक्ट फितरत ऑन ऑल्ट बालाजी Z5 ऑन October 18. थैंक यू.